नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है या आपने अभी न्यू ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन सबमिट किया है तो दोस्तों आप भी ऑनलाइन जाकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बताने वाले हैं कि दोस्तों आप ऑनलाइन जाकर ड्राइविंग लाइसेंस कैसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते दोस्तों वीडियो की तरफ। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। दोस्तों गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर हम सारथी का जो ऑफिशियल साइट का लिंक है उसे हम ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में भी डालकर रख देंगे, आप वहां पर भी डायरेक्टली जाकर ऑनलाइन अपना लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही हम ऑफिशियल साइट का लिंक ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। हमें यहाँ पर अभी दोस्तों हमारा स्टेट सेलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों जिस भी स्टेट का आपका लाइसेंस है वो स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि दोस्तों हमारा लाइसेंस महाराष्ट्र स्टेट का है तो हम यहाँ पर महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों जैसे ही आप स्टेट यहाँ पर अपना सेलेक्ट करते हो तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर हमारे सामने दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन होकर आ गए हैं, जैसे कि अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल, यानी ये सारे ऑप्शंस हमारे सामने ओपन होकर आ गए हैं। ठीक है, और ऊपर की तरफ देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों हमें हमारा लाइसेंस डाउनलोड करना है तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए अदर ऑप्शन दिख रहा है लास्ट में, उस पर क्लिक करते हैं तो फर्स्ट नंबर पर देखिए सर्च रिलेटेड एप्लीकेशन। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन दिख रहा है सर्च रिलेटेड एप्लीकेशन, तो हम इसी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम सर्च रिलेटेड एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाता है। और यहाँ पर देखिए हमें सेलेक्ट करना होता है, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन नंबर, लर्निंग लाइसेंस नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, मतलब कि दोस्तों इनमें से आप कोई एक भी ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे की तरफ प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नंबर अवेलेबल है तो हम यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर मेंशन कर लेते हैं। अगर आपके पास दोस्तों एप्लीकेशन नंबर है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। और आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के लिए बोला जा रहा है, तो हमारे लाइसेंस पर जो भी डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है दोस्तों वही लाइसेंस का ही डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद कैप्चा फिल कर लेते हैं बराबर से और सबमिट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए एप्लीकेशन डिटेल ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो लाइसेंस का एप्लीकेशन डेट क्या था और एप्लीकेशन नंबर सब यहाँ पर ओपन होकर आ गया है। और नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर भी देखिए एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब है। और नीचे देखिए सो फोटो एंड साइन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारा फ़ोटो और सिग्नेचर ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हमारा देखिए ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी लिखा हुआ है, तो हमें हमारा ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करने के लिए हमारे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर पर ही क्लिक करना होता है। तो चलते दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस नंबर पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम ड्राइविंग लाइसेंस नंबर पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड पूरा डिटेल है ओपन होकर आ जाता है। ये देखिए हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है ओपन होकर आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा जो एक्सपायरी डेट है और डेट ऑफ इशू है और हमारा जो लाइसेंस है वो कौन कौन सी कैटेगरी में आता है वो सारा डिटेल यहाँ पर आ गया दोस्तों, मतलब कि दोस्तों कम्प्लीट ये हमारा ड्राइविंग लाइसेंस ही है दोस्तों। तो चलते हैं इसका हम प्रिंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नीचे जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों उस पर क्लिक करके हम इसका प्रिंट भी निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रिंट का इस्तेमाल हम हमारे ड्राइविंग लाइसेंस के तौर पे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और जानकारी कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।